हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू मेक ग्रीन गार्लिक पाउडर, कि हम हरे लहसुन से हरे लहसुन का पाउडर कैसे बनाएं। सबसे पहले हम हरे लहसुन को साफ़ करेंगे, उसको हम अच्छे से जो ऊपर के पीले पत्ते हैं और ड्राई लीव्स हैं उनको हटा देंगे। अब उनको हमने देखो वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है, और इसमें ध्यान रहे कि ऊपर का जो एक्स्ट्रा वाटर धोने से इसमें लग गया है उसको पहले आपने पेपर में रैप करके सुखा लेना है। वो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको, जब ये इसके ऊपर से ऊपर का एक्स्ट्रा वाटर हट जाता है, हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं इस तरीके से। और इसको अब ड्राई करना क्या होगा, बहुत ही आसान होगा, और इतनी जल्दी मिनटों में ये लहसुन ड्राई हो जाएगा कि जिसे आप आसानी से पूरे साल भर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और लहसुन का फ्लेवर अपनी जिस सब्जी में, जिस करी में चाहें ऐड कर सकते हैं। और भाई, मुझे तो ग्रीन लहसुन के फ्लेवर वाले राइस पुलाव बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए आप भी देखिए कैसे अब हम इसको ड्राई करते हैं। हमने ये सारा लहसुन काट लिया है, छोटा चॉप कर लिया है, और इसको अब हम एक बाउल में ले लेंगे, और उस बाउल को हम माइक्रोवेव में मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, एक दो मिनट के लिए इसको हीट करेंगे, और फिर एक दो मिनट के लिए इसको बाहर ठंडा करेंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर निकल जाए। नेक्स्ट, अगेन क्योंकि ये कुछ गीला रह जाता है तो हम इसको इसी प्रोसेस को चार पांच बार करेंगे, लेकिन हम इसको एक साथ 10 मिनट के लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे ये पक जाएगा या ये बॉईल हो जाएगा, और हमें इसको बॉईल नहीं करना है, हमें इसको ड्राई करना है। तो हम इसको इस तरीके से माइक्रोवेव में रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे एक एक दो दो मिनट के लिए हीट करेंगे, फिर एक एक दो दो मिनट के लिए इसको बाहर रखेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें इसके कवर की तरह से न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं, जो इसमें से स्टीम को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको जल्दी ड्राई होने में हेल्प करता है। तो आप इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि लहसुन की लीव्स बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। और जब ये ड्राई हो जाती हैं, अब हम इसको किसी भी ग्राइंडर में ग्राइंड करके और पाउडर की फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक बार सुखाकर हम इसे पूरे साल काम में ला सकते हैं, और मन चाहे जिस करी में इसको ऐड करके लहसुन का फ्लेवर ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, ग्रीन लहसुन केवल और केवल सिर्फ सर्दियों में कुछ दिनों के लिए आता है, उसके बाद तो गर्मियों में पका हुआ वाइट लहसुन ही आता है, और ग्रीन लहसुन के फ्लेवर की तो बात ही क्या है। तो आप इसी तरीके से सुखाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू।